यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो निंदा करता है उसको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। कि निंदा अगर करता है तो निंदा एक तो कितना बड़ा अपराध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे चार वर्ण है, तो चार वर्ण का कैसे कैसे प्रतिक्रिया होता है निंदा अगर वो सुनते हैं। सुनने मात्र की बात हो रही है यहाँ पर, करने का तो फिर अलग ही वो एक लेवल है। करने के पहले जो है सेकंड जो स्टेप आती है सुनना, तो वो कैसे कैसे प्रतिक्रिया करता है चार वर्ण। बेसिकली चार वर्ण मतलब जो है वो चार जो हमारे गुण हैं, अलग अलग गुण हैं, उसके आधार पे विस्तारित किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दक्ष जो है, दक्ष प्रजापति जो है वो कैसे पूरे सभा में शिव जी का पहनावा, उनका रहन सहन और कैसे वो वर्ताव करते, ये सब चीजों को उन्होंने कैसे गलत तरीके से, अपमान पूर्वक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक तरह से वो शिव जी का क्या है, अपराध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि कोई निंदा जो है वो दो प्रकार से कर सकता है। दो प्रकार कैसे, एक तो है कि वो उसको व्यक्तिगत तरीके से बताए, मतलब सामने बताए या फिर और लोगों की उपस्थिति में बताए, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है जिसकी निंदा कर रहे हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को बताए। तो एक तो होता है ना बैक बाइटिंग, बैक जो पीछे रह की चीजें बताई जाती है, तो भी एक तरह से निंदा पे ही आता है, किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि ये भला निंदा कौन करता है, कौन व्यक्ति ये निंदा करता है। तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि निंदा वो व्यक्ति करता है जो नराधमा है। नराधमा मतलब नरों में जो अधम है, जो सबसे नीचा है, गिरा हुआ है, वो व्यक्ति ये सब चीजों में लेता है, इंटरेस्ट लेता है। क्योंकि हम देखते हैं हंस और कौवे दो प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। तो जो हंस होता है वो क्या करता है, अच्छी जगहों पे जाता है और वहां अपना आहार देखता है, और जो कौवा होता है वो क्या करता है, बिल्कुल उसका उल्टा करता है। वो क्या करता है, जहां गंदगी रहती है वो वहां जाता है और उसमें वो अपना वो टेस्ट पाता है, रस उसको मिल वहां से लेता है। तो वो जो नराधमा होता है वो व्यक्ति जो है कौवे के ही समान होता है, जो क्या करता है, निंदा करता है, बेसिकली किसी की गलत चीजें बताता है। उसमें दोष हो भी सकता है, पहला कैटेगरी है उसमें दोष नहीं है, तब भी वो व्यक्ति जो है ईर्ष्या के बस, जैसे हम देखते हैं आप दक्ष जो है वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या है शिव जी से, और वो क्या है उस व्यक्ति में दोष नहीं है। हम देख सकते हैं शिव जी जो है वो तो महावैष्णव है, वैष्णव नाम यथा समूह, तब भी दक्ष जैसा जो व्यक्ति है ईर्ष्या के वश होकर क्या कर रहा है, शिव जी में निंदा देख रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, उनमें दोष जोड़ रहा है। दूसरा हो सकता है व्यक्ति में दोष भी हो सकता है, दूसरा कैटेगरी है, तो दोष भी हो सकता है, पर अगर अगर हमें समझना है कि निंदा और उस व्यक्ति के बारे में बताने में क्या अंतर है, करेक्ट करने में क्या अंतर है। हो सकता है कि बोल सकता है कि ठीक है मैं करेक्ट करने का मेरा भाव है, पर हमें समझना चाहिए जो दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति है अगर उसके अंदर दोष भी है, पर बताया जाता है शास्त्रों में कि किसको अधिकार है उन दोषों को सुधारने का, उजागर करने का। तो जो आपका अथॉरिटी होता है मतलब अधिकारी होता है, अधिकारी को ही अधिकार होता है कि उसके जो दोष है उनको वो बताए, उजागर करे और सुधारे। और उसका भी तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है कि सब कोई पूरे बैठे हुए सभा में है, सभा में आप खुलेआम उसको बोल रहे हैं कोई अधिकारी है। हालांकि गुरु कभी कभी कर भी सकता है, पर वो गुरु का अधिकार है, गुरु उस स्तर पे है। कोई सामान्य व्यक्ति जिसका अधिकार नहीं है, कई बार होता है हम भी अधिकारी बन जाते हैं, सो कॉल्ड अधिकारी, और हम भी प्रयास करते हैं उस व्यक्ति का सुधारने का, पर उसमें हुआ क्या कि सुधारने हम चले थे दूसरे को, पर हुआ क्या कि हम अपना नुकसान कर बैठे। हम देखेंगे अभी कुछ अलग अलग शास्त्रों में या फिर भागवतम में भी कहाँ वर्णन पाया जाता है कि कैसे जो व्यक्ति अगर निंदा करता है तो निंदा की क्या क्या भीषण उसके परिणाम होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अभी यहाँ पर प्रश्न एक उठता है, अभी हमने देखा कि निंदा क्यों करता है व्यक्ति और निंदा कौन करता है, जो नराधम है, जो नीच स्थिति में है। अभी एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि भला सती को क्या जरूरत पड़ी अपना, अभी यहाँ पर सती जो है वो निश्चय कर लेते हैं कि मैं अपना शरीर त्यागूंगी। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर सती ने क्यों ऐसा निश्चय कर लिया कि बस अभी शरीर त्याग देना है। तो जैसे यहाँ पर हम चार वर्ण के बारे में देखते हैं, चार वर्ण के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं विस्तार पूर्वक। तो चार वर्ण बेसिकली क्या है, तो
तो चार वर्ण का क्या क्या प्रतिक्रिया होता है अगर वो निंदा सुनते हैं। अभी हमारा जो ये तात्पर्य है, ये निंदा करने पे फोकस नहीं है, उससे उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, एक व्यक्ति जो है निंदा करता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो उसको सुनता है। अभी जो निंदा करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो चार दीवारों में ही बस करेगा, वो तो कुछ उन व्यक्ति किसी व्यक्तियों के सामने करेगा, या फिर कुछ प्रजा में करेगा, सभा में करेगा, यहाँ पर दक्ष कर रहे हैं। तो ये जो चार वर्ण हैं, इनकी क्या क्या प्रतिक्रिया होती है निंदा सुनते वक्त, वो यहाँ पर बताया जा रहा है तात्पर्य में। तो क्या होता है, अगर जो सबसे पहले जो है, हम ब्राह्मण की बात करते हैं, जो ब्राह्मण होता है उसका कार्य होता है, अगर निंदा सुनता है तो उसका कार्य होता है कि शास्त्रों के द्वारा उसको क्या करे, वो पराजित करे, शास्त्रार्थ करके उसको वो वहां पर उसको पराजित कर दे, उसको विरोध करे। अगर वो इतना सक्षम नहीं है, कोई कह सकता है कि हम कुछ ब्राह्मण ऐसे भी है जो इतने दक्ष नहीं है शास्त्रार्थ करने में, लोगों को मतलब पराजित करने में, तो उसको क्या करना चाहिए कि अपना कान बंद करके वहां से चले आना चाहिए। ये है ब्राह्मण कि ब्राह्मण की कैसी प्रतिक्रिया होती, क्यों चले आना चाहिए। यहाँ पर एक कोई बोल सकता है कि सतीरे तो अपना त्याग कर दिया, तो ब्राह्मण क्यों नहीं कर सकता है, ब्राह्मण को भी तो करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए ना। फिर यहाँ पर बात आ जाता है कि सभी का जिसका जो जो स्तर होता है उसके हिसाब से उसको प्रतिक्रिया करना पड़ता है। तो ब्राह्मण क्यों नहीं शरीर त्यागना चाहिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण शरीर त्याग देगा तो जैसे पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर ब्राह्मण शरीर त्यागेगा तो क्या होगा, उसको दो दो अपराध लग जाएंगे। एक तो निंदा का अपराध तो लग गया वैष्णव निंदा का, दूसरा वैष्णव ये दूसरा जो है वो ब्रह्म हत्या का भी पाप लग जाएगा उसको। तो दोनों तरफ से वो एक तरह से उसका हानि ही हानि होगी, उसकी अधोगति होगी, नरक के द्वार उसके लिए खुल जाएंगे, वाइड ओपन फॉर हेवन। तो इसलिए ब्राह्मण का ऐसा प्रतिक्रिया होता है। अब दूसरा आता है क्या, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय के बारे में बताया जा रहा है कि जो क्षत्रिय है उसका कैसे व्यवहार होता है। तो जो क्षत्रिय होता है वो उसके पास शक्ति होती है, सामर्थ होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, ये क्षत्रिय के बारे में बताया गया है। जब वर्ण सिस्टम स्टेब्लिश है तब की बात कर रहा है। तो जो क्षत्रिय है उसको क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को जो व्यक्ति निंदा कर रहे हैं उसकी जीभ काट देना चाहिए। ये तो बहुत कठोर बात बोली जा रही है। और फिर उसको भी अपना शरीर, हमें बताया गया है कि उसको भी अपना शरीर त्याग देना चाहिए क्योंकि उसने भी निंदा सुन ली। और तीसरा कैटेगरी क्या है, वैश्य। और फिर शूद्र भी उसी में फोर्थ में आ गया। तो तीसरा जो फोर्थ कैटेगरी है, उनका कैसे प्रतिक्रिया होना चाहिए, उनके लिए बताया गया है कि उनको अपना शरीर त्याग देना चाहिए। अभी हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे कि आज के टाइम में फिर हमें ऐसा करेंगे तो फिर आज के टाइम में तो कोई बचेगा नहीं, अगर शरीर त्यागना सब स्टार्ट करेंगे वैष्णव निंदा सुन के। तो हम अभी देखेंगे कि भला वैष्णव निंदा अगर व्यक्ति करता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, क्योंकि तो हम देखते हैं कि जो भी चीज की जाती है उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है, कुछ ना कुछ उसके जो है कर्म फल आता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसका अच्छा फल आता है, कोई बुरा करता है तो बुरा फल आता है, इस हिसाब से कर्म अंदर के चक्कर में चलता रहता है। तो अगर निंदा करता है तो निंदा के क्या परिणाम होते हैं, निंदा के परिणाम एक तो बताया गया है भागवतम के ही अपना 10वां स्कंध का 74 अध्याय का 40वां नंबर श्लोक, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बताते हैं, कौन बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। क्या बताते हैं कि जिस स्थान पर भगवान या उनके श्रद्धावान भक्तों की निंदा होती है, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर चला नहीं जाता तो क्या होगा, आगे बताते हैं, तो निश्चय ही वह अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। स्वाभाविक है, अगर वो उस निंदा को सुनता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो हुआ क्या, उसके जो भी पुण्य होंगे सब वो क्षय हो जाएंगे और वो नीचे की स्थिति में गिर जाएगा। फिर एक और आता है, ये आता है अपना पद्म पुराण में, जहाँ पद्म पुराण में पुलस्त्य ऋषि जो है वो भीष्म देव संवाद बताते हैं कि कैसे निंदा जो व्यक्ति करता है उसका क्या होता है। निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई हितैषी नहीं होता, क्योंकि निंदा करने वाला अपना पुण्य देकर तथा निंदा किए जाने वाले के पाप को लेकर चले जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये तरह से एक्सचेंज ऑफर होता है। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास थोड़ा पाप की कमी आ रही है, मुझे थोड़ा और पाप इकट्ठा करना है, मेरे स्टॉक में जो है वो पाप की कमी हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए,
उसको किसी व्यक्ति की निंदा स्टार्ट कर देना चाहिए करना। तो उससे क्या होगा, उसके जो पाप कम है और अर्जित हो जाएंगे, और जो उसको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पुण्य आ चुका है, बहुत पुण्य एक्सचेंज में हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए कि निंदा करेगा तो उसका पुण्य चले जाएगा और पाप आ जाएगा, तो इस तरह बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पाप कम हो रहे हैं, कम है मेरे पास और पुण्य ज्यादा है, तो ये कर सकता है। बेसिकली हम देख सकते हैं वास्तव में अगर कोई निंदा करता है तो उसके पुण्य चले जाएंगे और पाप और अर्जित कर लेगा। ऑलरेडी हमारे पास इतने पाप है करोड़ों जन्मों के, कहाँ कहाँ से पाप नहीं लेके आए हैं, क्या 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 कार्य नहीं किए हैं, और अगर इस कार्य में हम लगते हैं निंदा कार्य में, तो और ज्यादा हम पाप की शॉपिंग करते हैं। बेसिकली ऐसे हमें रावण के बारे में सुनते हैं, रावण क्या करता है, जो श्राप होता है उसकी शॉपिंग करके आता है अलग अलग लोगों से। हम जैसे अभी रामायण आ रहा है, राम कथा होगा, हम सुनेंगे रावण के बारे में, कैसे रावण जो है अलग अलग लोगों से क्या करता है, जो श्राप है उसकी शॉपिंग करके आता है। पर जो व्यक्ति निंदा करता है वो किसकी शॉपिंग करता है, पापों की शॉपिंग करता है। इसलिए हमको सावधान रखना है कि हमें अगर पाप नहीं चाहिए तो इस चीज से ही बचे। फिर आगे बताया जाता है व्यक्ति आज के टाइम में, ये आगे जो ये श्लोक है ये बृहद नारद जी पुराण से है, यहाँ पर बताया जाता है व्यक्ति आज के टाइम में कष्ट में क्यों है। हम देख सकते हैं संसार में हर व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कष्ट में, इसका एक कारण ये भी आता है। क्या आता है कि नारद मुनि बताते हैं, सनक कुमार और नारद मुनि का संवाद होता है, उसमें बताते हैं लोक परलोक सर्वत्र सुख चाहने वाला व्यक्ति हरि की सर्वदा पूजा करता है। अगर जिसको आनंद चाहिए, आनंद में रहना चाहता है, तो मतलब क्या करेगा वो, जिसको आनंद चाहिए वो हरि की पूजा करेगा, मतलब हरि का भक्त बनेगा। पर जिसको कष्ट चाहिए, जिसको कष्ट की शॉपिंग करना है, अभी हमने पाप का देखा, अभी कष्ट का जिसको चाहिए, कष्ट अपने जीवन में और बुलाना है, तो उसको क्या, वो क्या करता है, वो करता है कष्ट चाहने वाला दूसरों की निंदा करेगा। अगर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमने किसकी निंदा कर दी है कि हमारे साथ ऐसा कष्ट आ रहा है, या फिर हमारा जप में मन नहीं लग रहा है, भागवतम श्रवण में मन नहीं लग रहा है, भक्ति की क्रियाओं में मन नहीं लग रहा है। मन ना लगने का एक ही कारण है कि हमने किसी की निंदा की। हम देखते हैं रूप गोस्वामी जो है, वो भी एक जो ब्राह्मण है अष्टवक्र, उसके बारे में थोड़ा उनके हम सुनते हैं कि थोड़ा ऐसा वो बुरा मान गया सामने वाला, तो क्या होता है ना, तो इसका रिएक्शन आता है। फिर आगे बताया जाता है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से आता है कि कैसे जो भगवान ऋषिकेश या पुण्य स्वरूप उनके भक्त की निंदा करता है, उसका क्या परिणाम होता है। उसका परिणाम यह होता है कि उसके 100 जन्मों के जो पुण्य है उसका नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है 100 जन्मों के। व्यक्ति इतना पुण्य कार्य करता है, आज के टाइम में हम समाज में देखते हैं व्यक्ति दान देता है, धन दान देता है, अलग अलग कम्बल दान देता है, अलग अलग तरीके के दान होते हैं, पर जो व्यक्ति इतना जन्मों तक दान दान दे दे के इतना पुण्य अर्जित कर लेता है, अगर व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो उसका पुण्य आसानी से चले जाता है। फिर आगे बताया जाता है, पृथ्वी माता बोलती है, पृथ्वी माता बोलती है ब्रह्मा जी से, क्या बोलती है कि भगवान कृष्ण की भक्ति से जो हीन है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, पृथ्वी देवी और ब्रह्मा जी का सम्मान, जिसे पृथ्वी देवी क्या बोलती है, भगवान कृष्ण की भक्ति से जो हीन है और उनके भक्तों की निंदा करते हैं, उन महापापियों लोगों के भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी जो माता है उनमें कितना भार होता है, व्यक्ति जो है अलग अलग भार जो है सहन करते हैं, पर पृथ्वी माता यहाँ साफ साफ बोलती है कि मैं उस व्यक्ति का भार कभी सहन नहीं कर सकती जो क्या करता है, निंदा करता है। आगे हम देखते हैं कि बताया जाता है कि कैसे जो ये जो निंदा है, ये जो वैष्णव अपराध है, वो क्या करता है, चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा निंदा करता है, अपराध करता है वैष्णव के प्रति, तो उसका परिणाम क्या होगा कि कितने भी जन्म वो भक्ति में लगे रहे, श्रवण कीर्तन करते रहे, पर अगर अपराध से मुक्त नहीं हुआ है तो वो फिर वो उसके अनेक जन्म ऐसे निकल जाएंगे, तो कभी कृष्ण प्रेम मिल ही नहीं सकता। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कि किसी वैष्णव के प्रति जाने या अनजाने में भी हम निंदा न कर पड़े, क्योंकि हमारा क्या है, अभी हमारी परवरिश ऐसी हुई है शुरू से ही है कि हमारी बोलने की थोड़ा आदत रहती है, पर अगर हम ये चीजें जानेंगे तो फिर हम बचे रहेंगे, सावधान रहेंगे।
एक बार प्रभात जी बताते हैं जोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि उनके बारे में लेटर लिखते हैं कि आप जो है, प्रभात जी बताते हैं कि आप जो है हमेशा वैष्णव अपराधों से बचे रहते हैं, इसीलिए आप इतनी उन्नति कर पाए। महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी से एक प्रश्न पूछा गया कि महाराज इतना समय हो चुका है आपको इस्कॉन में रहे हुए, क्या वो कारण है कि आप भक्ति में इतना ज्यादा उन्नति कर पाए? तो महाराज बस दो ही चीज बोलते हैं। क्या दो चीज है? एक तो है कि साधना, आपका साधना अच्छा होना चाहिए। दूसरा है वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध से बचे। ये दो जो जो दो जो व्यक्ति दो चीज करेगा उसका भक्ति में प्रगति होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। वैष्णव अपराध से बचे, साधना तो हम ठीक है उसमें उतना नहीं अपराध होता, पर वैष्णव के प्रति जो है वो हम कहीं जाने अनजाने में कर बैठते हैं। इसके लिए उदाहरण के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, जो जिन वैष्णव से हम पास में रहते हैं उनके प्रति अपराध होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं प्रवृत्ति है। क्यों? इसको उदाहरण ऐसा है कि अगर हाईवे है, हाईवे में जो कार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर कार है उससे थोड़ी ना कोई एक्सीडेंट होगा किसी कार का। जो कार पास में है, जस्ट उसके पास में ही लगी हुई है, उसी कार से एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ऐसे जो व्यक्ति दूर में है, जो वैष्णव दूर पे है, तो वो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हाँ वो वैष्णव बहुत अच्छा है, पर जो साथ में है, अरे यार इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो उसी के साथ ही एक्सीडेंट होता है। ये उदाहरण बताया जाता है। फिर आगे बताया जाता है कि कैसे ये जो वैष्णव अपराध होता है ये हाथी माता अपराध है। हाथी माता कैसे? कि अगर हमारा फूलों से सजा हुआ बहुत अच्छा बगीचा है भक्ति का, भक्ति लता का, पर अगर उसमें कोई पागल हाथी आता है आ जाएगा तो क्या करेगा? उसी बगीचे को वो तहस नहस कर देगा। इसलिए जो है इन अपराधों से बचना बहुत जरूरी है। ये हमारे जो भक्ति लता जो है, भक्ति लता को उसको उजाड़ सकता है। अभी आगे बताया जाता है कि कैसे जो ये, तो अभी हमने चर्चा किया कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। हम जैसे एक सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, गोपाल चप्पल करके होता है, जो श्रीवास, अभी जैसे कल ही था ना श्रीवास ठाकुर अपीयरेंस में, तो वो अपराध करता है श्रीवास ठाकुर के प्रति, गोपाल चप्पल। हम देखते हैं फिर उसको बाद में लेप्रेसी हो जाता है। तो एक वैष्णव ठाकुर हुए हमारे, जो बताते हैं कि कैसे अगर वैष्णव के प्रति अगर अपराध होता है तो उसका कोई परित्राण नहीं है, मतलब उसका कोई तरीका नहीं उससे बाहर आ सके। बस बाहर आने का तरीका भी हम देखेंगे कि कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, अगर अनजाने जाने में हमसे कुछ अपराध हो चुका है। तो उसे बताते हैं कि अरे स्थान अपराधे तारे हरि ना, तुम स्थान अपराधे नहीं परित्राण। गोपाल चप्पल का क्या हालत होता है? उसको फोड़ की बीमारी हो जाती है, लेप्रोसी होती है। उनका सुंदर शरीर रहता है पर होता क्या है, वो सुंदर शरीर क्रूप हो जाता है और कई टाइम तक वो ऐसे ही रहते हैं। फिर महाप्रभु आते हैं सब संन्यास लेके द्वारा गंगा स्नान करने, तो वहां पर फिर गोपाल चप्पल से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि जिस वैष्णव के प्रति तुमने अपराध किया है उसी वैष्णव के प्रति तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्षमा लेना पड़ेगा। यही हम देखते हैं सेम चीज जो रहता है अम्बरीश महाराज के साथ भी होता है। तो फिर गोपाल चप्पल जो है वो जाते हैं श्रीवास ठाकुर के पास और फिर अपराध करते हैं, फिर वो उससे मुक्त हो पाते हैं। हम यही देखते हैं कैसे अम्बरीश महाराज वो भी दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध करते हैं और कैसे उनको प्रणाम, वो कैसे उससे मुक्त हो पाते हैं। अभी यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि प्रभु जी यहाँ पर बहुत कठोर चीजें बताई गई हैं, उसको अपना शरीर ही त्याग देना चाहिए, तो ऐसा क्यों? हो सकता है, बोल सकते हैं ना कि ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा आपस में बातचीत करके थोड़ा सेटल कर लो चीजें किसी बड़े अधिकारी को बुला के, पर यहाँ पर तो बोला, वर्डिक्ट दिया जा रहा है कि आपको अपना शरीर ही त्याग देना है। तो हम देखते हैं कि पुराने समय में, वैदिक काल में भी, अगर कोई प्रजा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ कार्य कर देता है, कोई प्रजा बहुत ज्यादा घोर पाप कर देता है या फिर किसी की हत्या कर देता है, तो राजा जो करता था क्या करता था, उसको मृत्यु दंड की सजा देता था, दंड देता था। तो उससे फायदा क्या होता था कि जो व्यक्ति सपोज किसी की मृत्यु कर दिया है, किसी का हत्या कर दिया है, कोई व्यक्ति अगर कोई प्रजा हत्या कर दिया किसी का, तो उसका क्या आएगा, कर्म फल आएगा, रिएक्शन आएगा। रिएक्शन आएगा, अगर उसको उससे मुक्ति नहीं मिलेगी उस रिएक्शन से, तो वो क्या होगा, उसको जन्म जन्म तक उसको वो रिएक्शन जो है सताती रहेगी, परेशान रहेगा। पर अगर राजा उसको अगर मृत्यु दंड देता है तो क्या होगा, वो दंड पाके वो उस अपराध से तुरंत मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाएगा। फिर उसका जब अगला बर्थ होगा
उसमें फिर वो फिर से न्यू जो नई शुरुआत है वो कर सकता है, क्योंकि उसने उसके लिए पर्याप्त पश्चाताप किया। इसीलिए हम देखते हैं कि पहले टाइम में लोग जो है सती हो जाते थे, जैसे हम देखते भी है कि जैसे पति चले गया तो जो स्त्री होती थी वो भी सती हो जाती थी, या फिर हम देखते हैं कि व्यक्ति को अगर दिया जाता था मृत्युदंड तो आसानी से उसको स्वीकार भी करता था। पर आज के टाइम में अगर हम देखा जाए, अगर आज के टाइम में हम किसी की मृत्यु की बात करते हैं कोर्ट में, तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा आप दूसरी सजा दे दीजिए, मृत्यु क्यों क्यों देना उसको, ये जीवन मिला है, आराम से रहे हो, आनंद पूर्वक रहे, भोग विलास बिताए, पर मृत्यु क्यों देना। तो आज के टाइम इसीलिए हम देखते हैं कोर्ट में कोई केस आता है तो वो कितने टाइम तक रुक जाता है और फिर चलता रहता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। पर पहले नहीं होता था, पहले राजा जो होता था अगर कोई अपराध किया है बहुत घोर तो उसको क्या करते थे, मृत्यु दंड दे देते थे, उस अपराध से वो तुरंत मुक्त हो जाता था मृत्यु दंड देने से। और हम देख सकते हैं उससे फायदा क्या है, क्यों भला ऐसा बोला जाता है मृत्यु दंड दे दे, क्यों यहाँ पर बोला जाता है कि आप अपना शरीर त्याग दें, क्योंकि क्या होता है कि मन में अगर हम कोई चीजें करते हैं तो मन में उसकी छाप चढ़ती है। हम देखते हैं कि व्यक्ति आज भी अगर इस जन्म में भी अगर वो रहता है तो उसको किसी को बहुत सारे फोबियाज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी को पानी से फोबिया रहता है, पानी में नहीं उतरता, किसी को हवा से रहता है, वो एरोप्लेन या फिर हवा में ऐसी चीज में उड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको फोबिया रहता है, किसी को हाइट से रहता है, किसी को फायर से रहता है, तो अलग अलग तरीके से फोबिया होती है। क्यों होती है फोबिया, क्योंकि पिछले जन्म में हम देखते हैं कि उसने उसकी मृत्यु का कारण यही इसी से ही होता है, किसी की मृत्यु पानी से होती है उसको पानी से फोबिया हो जाता है नेक्स्ट बर्थ में, अगले जन्म में, किसी को अगर आग से होती तो आग से उसको भय हो जाता है अगले जन्म में। तो जो व्यक्ति करता है कोई कठोर चीज तो उसका जो छाप उस व्यक्ति के मन में आ जाता है और उससे होता क्या है कि अगले जन्म में भी वो चीजें दिखती है। तो ये एक तरह से क्या है, मन को ट्रेंड करने के लिए किया जाता है, मन को सुधारने के लिए किया जाता है। वैदिक संस्कृति में जो भी कार्य किया जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मन और जो चेतना है उसको अच्छी किया जाए, चेतना को ऊपर किया जाए, मन को जो है ऊपर किया जाए, भगवान की ओर किया जाए, है ना, बुरी चीजों से वो निकले। जो हम तपस्या भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, उसका भी उद्देश्य यही है कि मन की शुद्धिकरण, मन जो है वो चीजों को छोड़े और भगवान की ओर जाए, एकाग्रता बढ़े। तो अगर यहाँ पर हम बोल रहे हैं किसी की अगर मृत्यु दंड भी दे दिया जाए तो उसके फायदे के लिए रहता है, जैसे ये वैदिक कार्य में वो वैदिक समय में होता था कि मृत्यु दंड अगर किसी व्यक्ति को मिला रहेगा, किसी राजा ने उसको दिया है, अगले जन्म में उसको स्मरण रहेगा, कहीं ना कहीं उसको छाप रहेगी मन में, क्योंकि मन तो हमेशा उसके जन्मों जन्म तक जो है मन साथ में रहता है, मन में उसके रहेगा छाप, अरे यार मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने ये अपराध कर दिया था, उसके कहीं ना कहीं उसके मन में वो भय रहेगा कि यार मैंने किसी की निंदा किया था या फिर मैंने ये गलत कार्य कर दिया था। तो वो फिर जब अगले जन्म में उस चीज से वो बचेगा, मतलब अगर उसको मृत्यु दंड मिलती है उसके लिए पश्चाताप कर लेता तो अगले जन्म में वो चीज से वो बचेगा, तो उसके लिए फायदे के लिए रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जड़ भरत कवि आता है, भरत महाराज से गलती हो गई, एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए, और हम देखते हैं कि अगले जन्म में भी जब वो खुद हिरण बनते हैं और फिर उसके बाद जब जड़ भरत ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म होता है तो कितने सावधान रहते हैं, किसी भी तरीके से वो किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त ना हो सके, बिल्कुल सावधान रहते हैं, उनको याद रहता है, छाप रहता है, उनको पता रहता है, उनको तो खैर पूरा याद ही रहता है कि मैंने क्या क्या किया था, मेरे से क्या क्या हो गया। तो व्यक्ति अगर पश्चाताप करता है, ऐसा दंड उसको मिलता है, तो एक तरह से ये सीधा सीधा दंड जो है वो मन को मिलता है, मन को दंड दिया जाता है, मन दंड, अगर मन को दंड मिलता है तो क्या करता है, वो चीज से मन बचता है, मन को पता रहता है यार मैंने ये किया था इससे वजह से मेरे को ये हुआ था, इसलिए वो चीज को फिर से दोहराएगा नहीं, है ना। जड़ भरत जो है कितने ज्यादा सावधान है, कितने केयरफुल है, हम देख सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज इसीलिए कहते हैं कि मन को जो है वश में करना बहुत जरूरी है, मन को दंडित करना बहुत जरूरी है। अगर मन को अगर हम दे दिए छूट तो मन क्या करेगा, हमें गलत चीज के लिए दे जाएगा। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति में रहना चाहिए कि अगर हम कहीं भी कुछ गलत चीज करें हमारे ऊपर अधिकारी होना चाहिए, अधिकारी को अधिकार होना चाहिए कि वो हमें दंडित करे, अगर दंडित करेंगे तो वो सीधे सीधे मन को दंड किया जाता है, मन को दंड दिया जाता है तो मन जो है फिर से वो दोबारा चीजों में नहीं जाएगा। नहीं तो हमारी अभी स्थिति कैसी, कौवे जैसी स्थिति है, हम क्या है फिर से गंदगी की ओर बार बार जाता है, ऐसा तो होता नहीं है, कौवा गंदगी की ओर जाता है तो एक बार जाके संतुष्ट जाता है फिर दोबारा नहीं जाता, उसकी प्रवृत्ति बनी रहती, बार बार जाता रहता है। पर वही अगर अधिकारी जो है, अगर हमें जो हमारी कौवे जैसी प्रवृत्ति वाला मन है अगर इसको दंडित करता है तो फिर वो चीजों में नहीं लगते दोबारा। इसीलिए
वैदिक काल से लेके अगर हम वैष्णव सभ्यता की बात करें, यहाँ पर दंड को बहुत ज्यादा प्रचलित मतलब प्रोत्साहन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती स्वामी महाराज यही बोलते हैं कि अगर सुबह जो व्यक्ति उठ रहा है तो उसको अपने झाड़ू से मन को दंडित मारना चाहिए, पीटना चाहिए 100 बार, और शाम को सोने से पहले जूते से मारना चाहिए 100 बार। क्यों बोला गया है? क्योंकि मन को अगर दंडित करेंगे तो मन जो है सही से चलेगा, बुरी चीजों में नहीं जाएगा। आप देखिए क्या पशु को दिया जाता है मृत्यु दंड? कभी आपने सुना है कि किसी पशु को मृत्यु दंड दिया गया? कभी सुना आपने किसी पशु को मृत्यु दंड दिया गया 4 डे में? नहीं, क्योंकि पशु जो है वो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये मन को नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो उसके पास है जो मनुष्य जीवन पाया है। पशु जो है वो भोग यूनि में उनका चलता रहता है प्रकृति के हिसाब से। तो इसलिए जो है वो दंड को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर दंड आता है हमें ये देखना चाहिए कि जो भी अधिकारी हमको दंड दे रहा है तो हमारे भले के लिए है, सुधार रहा है वो हमारे भले के लिए है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सुधारते हैं। जो सुधारता है वो हमारे भले के लिए है, इसलिए हमको हिचकना नहीं चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। आज के टाइम में तो ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति अधिकारी है उसको भी सोच समझ के बोलना पड़ता है, सोच समझ के दंडित किया जाता है कितना दंड देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है वो उतना फेवरेबल नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है दंड को स्वीकार करने के लिए। पहले राजा अगर किसी मृत्यु दंड देता था तो तुरंत स्वीकार कर लेता था व्यक्ति, व्यक्ति को हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे भलाई के लिए है, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा इस चीजों से, अगले जन्म में मेरे को भुगतना नहीं पड़ेगा दोबारा, नहीं तो अगर ये प्रवृत्ति बनी रहेगी तो फिर से होता रहेगा। तो अभी आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमको भी शरीर त्याग देना चाहिए, हम भी सुन लेते हैं तो फिर यहाँ पर तो बोला जा रहा है हम भी शरीर त्यागे, जो 4th क्लास है ना, वैश्य और जो शूद्र है, तो हमारा क्या स्थिति होना चाहिए, हमें कैसे उसको लेना चाहिए, कैसे उसके सारा हमारा कैसे प्रतिक्रिया होना चाहिए, इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतारे? तो प्रभुपाद जी से पूछा गया, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हमारा क्लास है इसका कुछ पता ही नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स अ 10th क्लास। तो आज के समय में अगर हम बात किया जाए तो आज के टाइम में इसको कैसे हम अपने जीवन में उतारे, उसके लिए गोपाल जो चप्पल है, बाद में ही वो बहुत बड़े वैष्णव बनते हैं, और वैष्णव बनते हैं तो वो फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए। वो अपने एक भजन लिखे हैं जिसमें बताते हैं, वृंदावन नवासी जत वैष्णवेरा गण, प्रथमे वंदन करे सवार चरणा। तो वृंदावन ये भजन में बताया जाता है कि कैसे जिस व्यक्ति के प्रति, जैसे उन्होंने गोपाल चप्पल ने कैसे निंदा किया था, अपराध कर दिया था, तो जिस व्यक्ति जिस वैष्णव के प्रति हमसे अपराध हुआ है उसके जो है हमें गुणों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, वो बोलना चाहिए। हम देखते हैं वैष्णव में कुछ ना कुछ तो गुण रहते हैं, हमारे अंदर क्या निंदा का पर्दा लगा रहता है, इसलिए हम जो है वो निंदा पे ही चले आता है। तो जिस वैष्णव के प्रति हमसे अपराध हुआ है उसका क्या करना है, हमें ग्लोरिफिकेशन गुणगान करना है। और हम आसपास जितने भी भक्त रह रहे हैं, जिस जिन भक्तों के साथ आप रह रहे हैं, सब भक्तों को क्या करना है, गुणगान करना है। अगर गुणगान करेंगे तभी क्या होगा, एक तो हो गया कि हमको ये करना है, गुणगान करना है, और साथ में हमको दूसरा चीज क्या करना है, ये दूसरा चीज क्या करना है, सकल सम्मान करते सकती देहु नाथ जाता जाता, तब तो गाय बे हरि नाम सुखे अपराध होय बे हाता। ये भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कैसे अगर व्यक्ति, एक तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना किससे करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, गुरुजन से प्रार्थना करना है, वैष्णव से प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, और जब वो कृपा करेंगे तभी क्या होगा, अपराधा होते हता, मतलब जो हमारे अपराध है जो भी हमने किया है वो क्या है, नष्ट होते। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो है प्रणाम का सिस्टम लगाया है। हम जैसे सुबह देखते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में जब शिक्षा अष्टकम होता है उसके बाद फिर क्या करते हैं, सभी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से क्या होता है, सम्मान करते हैं दूसरे से, तो हमारे जो भी हम जाने अनजाने में जो भी अपराध करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, चले आते हैं। और जैसे ही हम मंदिर में आते हैं इसलिए सबसे पहले हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, फिर कोई सीनियर वरिष्ठ भक्त है उसको प्रणाम करते हैं, तो इनसे क्या होता है कि हम इन अपराधों से बच जाते हैं। और हम कैसे, जो अपराध शून्य रहेगा व्यक्ति वही अच्छे से हरि नाम ले सकता है, उसका मन हरि नाम में लगेगा वही हरि नाम सुख पूर्वक ले सकता है। जो भक्ति का प्रोसेस है वो है सुसुखम कर्तुम अव्यय, सुसुखम मतलब कि आनंद पूर्वक है, पर
और जो व्यक्ति अपराध में रहेगा, ग्रसित रहेगा, फंसा रहेगा, उसके लिए जो हो जाएगा, दुदुखम कर्तुम अभ्यम, मतलब उसके लिए दुख पूर्वक ये प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हमको सबसे पहले प्रयास करना है कि सावधान रहे, कि अपराध ना हो, निंदा ना करे किसी की, ना सुने, और अगर हो भी जाता है तो ये गुण, जो ग्लोरिफिकेशन है, जो स्टेप है, टू स्टेप है बताया, एक तो है कि उसके क्षमा मांगे, उसकी सेवा करें वैष्णव की, और दूसरा चीज है प्रार्थना करें। तो अभी और भी कुछ मेरे को बोलना था, पर समय तो हो चुका है यहाँ पर, तो अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो प्रश्न में भी हम कुछ चीजें और ले सकते हैं, अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न आ रहा हो या फिर कुछ टिप्पणी करना हो, कुछ बताना हो तो बता सकता है। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और भी चीजें थी पर अभी समय नहीं है इसलिए।